तो आज मैं इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक कमाल की रील मिली, और उस रील के अंदर बताया जा रहा है कि कैसे आप लोग अपने ऑफिस या कॉलेज के वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हो। आइए आज हम लोग इस रील को देखते हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो काम ये बता रहे हैं करने को, ये क्या सही में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर कभी भी पूरा ज्ञान नहीं मिलता। अगर आप 90 रील्स देखोगे तो हो सकता है 10 रील्स ऐसी हों जिनके अंदर पूरा ज्ञान हो, बट ज़्यादातर रील्स के अंदर पूरा ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो आइए हम लोग साथ में मिलकर के सबसे पहले इस रील को देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये काम वाकई में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। कॉलेज या ऑफिस में लगे वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करें? अरे बहुत आसान है। सबसे पहले अपने कॉलेज या ऑफिस में ऐसा पीसी ढूंढो जिसपे इंटरनेट चल रहा हो। ठीक है, इसमें लिखो CMD और पहली कमांड लिखो कलर 0A। इससे कलर आपका ग्रीन हो जाएगा, यानी आपको हैकर वाली फील आएगी। बात तो सही है। अब जो पासवर्ड वाली कमांड है उसे ध्यान से सुन लो या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लेना। कमांड है NETSH स्पेस WLAN स्पेस शो स्पेस प्रोफाइल्स और डबल इन्वर्टेड कोमा में आपने वाईफाई का नाम डालना है, उसके बाद स्पेस देके की इक्वल टू क्लियर करके बस एंटर प्रेस करना है और वाईफाई का पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपने आई होप सो इस रील को देख लिया होगा और अब हम लोग करते हैं इसको टेस्ट। बट टेस्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया इन्होंने जो कलर को चेंज करने का कमांड बताया था जिससे हैकर वाली फील आ सके, वो मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि मुझे हैकर वाली फील नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं सिंपल से आता हूं CMD और यहां पे मैं वो कमांड को पेस्ट कर देता हूं। और वाओ, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मेरा वाईफाई का पासवर्ड आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होगे, भाई यार ये तो सही में काम करता है, ये तो रियल है। नहीं, अब यहाँ पे आपको मैं अंदर की दो बातें बता रहा हूँ, ठीक है, और दोनों बातें बिल्कुल ध्यान से समझना। इंस्टाग्राम पे यही चीज़ होती है, आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक। ठीक है, देखो पहली बात क्या है कि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर जो कंप्यूटर लैब होती है या फिर कंप्यूटर का जो एरिया होता है, वहाँ पे वो लोग जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको वाईफाई की जगह लैन केबल से कनेक्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये रही, ठीक है, अगर वहाँ पे लैन केबल से वो कंप्यूटर कनेक्टेड है और वाईफाई का कनेक्शन नहीं है तो ये कमांड तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर एक वाईफाई अडाप्टर लगा रखा है और उसका सबूत क्या है, मैं अगर कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वाईफाई के सिग्नल्स भी यहाँ पे ये कैच कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाईफाई अडाप्टर को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मैंने हटा दिया। अभी क्या है, जो मेरा कंप्यूटर है ये पूरी तरीके से लैन से कनेक्टेड है। ठीक है, लैन से कनेक्टेड है। अगर आप लोग जाओगे किसी कंप्यूटर के ऊपर वहाँ पे क्लिक करना, अगर वाईफाई के सिग्नल्स नहीं आ रहे सिर्फ लैन आ रहा है, तो समझ जाना ये चीज़ काम नहीं करने वाली। यहाँ पे जैसे ही आप लोग अब वापस एक कमांड डालोगे, नो वायरलेस कनेक्शन जैसा कुछ आएगा। चलो ये तो रही एक बात, अब जो दूसरी बात है वो दूसरी बात इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से वाईफाई को वापस से लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, वाईफाई का कनेक्शन आई होप सो हम लोगों का तुरंत आ जाना चाहिए, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा वाईफाई का जो कनेक्शन था वो वापस से आ चुका है। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ क्या है वो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर वो वाईफाई कनेक्टेड है जिसका पासवर्ड तुम लोग ढूंढना चाह रहे हो तब तो ये काम करेगा, बट अगर वो वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तब ये काम नहीं करने वाला। तुम सोच रहे होगे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, thegsmwork 4G इससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर रखा है। ये वही बात हो गई कि फ़ोन के अंदर कोई वाईफाई कनेक्ट है उसका सेव पासवर्ड निकालना, ये सेम टू सेम वही काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट दबाया और यहाँ पे देख पाओगे ये बहुत ही आराम से कनेक्ट हो जा रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड फॉरगेट कर दूँ, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखो मैंने इसको फॉरगेट कर दिया। अब अगर आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे भैया तब तो ये पासवर्ड मांगने वाला है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपल से कनेक्ट करता हूँ और ये पासवर्ड मांग रहा है, तो क्या इस केस में यहाँ पे कुछ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यही कमांड था ना, इंटर दबाया, कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भैया ये प्रोफाइल यहाँ पे बनी नहीं है, ये सेव नहीं है, और आप इस टाइप से किसी दूसरे वाईफाई का, अगर वहाँ पे काफ़ी सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, उन सब का नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो कंप्यूटर में कनेक्टेड नहीं है, उनका पासवर्ड कंप्यूटर में सेव नहीं है। तो यहाँ पे डिटेल से समझने वाली ये बात है कि ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब वाईफाई कंप्यूटर में कनेक्टेड हो और चल रहा हो।
अगर कनेक्टेड है और उसके बाद किसी ने उसको फॉरगेट कर दिया, पासवर्ड का वहां से पूरा फाइल हट गया, तो ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर से उसकी जो प्रोफाइल थी वो गायब हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप कॉलेज या फिर ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे वो लोग वाईफाई की जगह लैन का यूज़ कर रहे हैं, भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। और अगर वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो जो प्रेजेंट वाईफाई कनेक्टेड है उसका ही पासवर्ड निकाल पाओगे। ये नहीं कि भैया ये वाला वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, द GSM वर्क 5G, मैं इसका भी पासवर्ड निकाल लूंगा और सबका पासवर्ड निकाल लूंगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोग चाहते हो इस टाइप की और रील्स के ऊपर हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना रील एक्सपोज, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी ज़्यादा ऐसी रील्स ढूंढूंगा और आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, और उनके ऊपर हम लोग डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।